नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अपन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लड़के का नाम दिवांशु है और ये दिवांशु अपनी माँ के साथ हिमांशु अपनी माँ के साथ जो है बाइक पर जा रहा था और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इस समय हम खड़े हैं कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में, जहाँ पर सभी परिजन पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। भूसली गांव बताया जा रहा है और जहां पर ये दोनों माँ बेटा जो हैं वो बाइक पर जा रहे थे और अचानक से तेज़ रफ्तार गाड़ी जब आती है और वो टक्कर मारती है, जिसके बाद एक बड़े हादसे में दोनों ही माँ और बेटे की एक साथ जो है मौत हो जाती है। हालांकि उनके जो भाई हैं दिवांशु के, वो यहां पर हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और एक कैसे पूरा हादसा हुआ आपको पता लगाएंगे? नहीं पता। तो उनके अन्य परिजन हैं, उनसे बात करते हैं कैसे हादसा हुआ जी पूरा ये। अच्छा जी, हम तो जब पहुँचे थे ना तो ड्रामा सेंटर में हमारे को तो मृत मिले थे जी। अच्छा। अब बाकी हमारे को पता आगा भी कैसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस वाले कह भी रहे हैं गाड़ी नंबर मिल गया, मैंने वो मिला है, बाकी हमने देखा कुछ नहीं है जी। किस जगह बताया पुलिस ने? ये मंगलोरा उस पर बताया जी। अच्छा। चौकी के पास, मंगलोरा चौकी के पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कहाँ के रहने वाले थे वो? उनका ये उनका नहीं पता महाराज जी। ये हिमांशु कहाँ के? भूसली का रहने वाला था जी। अच्छा। तो दोनों माँ बेटे की मौत होगी? हाँ, दोनों माँ बेटे की मौत होगी जी। वो लड़की के जन्मदिन पर गए थे तो, हाँ, जन्मदिन मनाने के लिए गए थे तो वो बस मंगलोरा के पास आके हादसा आया। वो फरार है कार चालक वाला? हाँ, चालक वाले हमारे लिए तो फरार ही है जी। हमारे को तो जल्दी गिरफ्तार की मांग, उनको जल्दी गिरफ्तार करेगा जी भाई। आज पोस्टमार्टम होगा? आज पोस्टमार्टम होगा जी। बता रहे हिमांशु का बड़े भाई की भी पहले मौत? हाँ, पहले उसका भी एक्सीडेंट था, तो अभी वैसे बच्चा दिमाग की चोट है, आपके पास खड़ा जो बोल नहीं पाया। अच्छा। तो इसी को भी दिमागी चोट लगी, दिमाग की चोट लगी हुई है जी। ये भी बाकी ठीक नहीं है वैसे। ठीक है। बड़ा अच्छा फादर है जी, वो भी ऐसे ही है। वो देखो उधर, उनके भी वो भी वैसे ही है, मतलब सारा परिवार नाश ही हो गया जी हमारा। तो रहा है कुछ नहीं है, इनके मेरे भाई के पास तो रहा है कुछ नहीं। अब तो इसकी जल्दी कार्रवाई करवाई जी, पकड़ो उनको। तो यानी कि ये बात पक्की हो गई है कि कोई कार चालक ने टक्कर मारी है? हाँ जी, ये बात पक्की है जी। गाड़ी वाला पकड़ा गया है? हाँ, गाड़ी वाला हमारे को तो पकड़ा, पता नहीं जी पकड़ा कार पकड़ी कार को पकड़ लिया है। ठीक है, बाकी तो पुलिस वाले कह रहे हैं पकड़े, बाकी मानते नहीं, पकड़े पकड़ तो कुछ नहीं है। हिमांशु क्या करता था? वो पढ़ता था जी। हिमांशु अभी पढ़ाई कर रहा? हाँ, पढ़ाई कर रहा, 10वीं में जी। अच्छा, 10वीं में पढ़ाई कर रहा? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो माँ है हिमांशु, और साथ में जो माँ का नाम सुदेश है, उनके जो आप देख सकते हैं पति हैं इस समय, वो बैठे हुए हैं। और उनके जो हालात आप देख रहे हैं तस्वीरों में, काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है क्योंकि एक परिवार के साथ इतना बुरा हादसा हो जाए, और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उनके इस समय क्या हालात होंगे, किस सोच में वो हैं कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और तभी हम लोगों को बोलते हैं कि रफ्तार पर काबू पाएँ, क्योंकि रफ्तार लगातार लोग तेज़ गाड़ी चलाते हैं और हादसे में लोग जो है शिकार हो जाते हैं और परिवार किस तरीके से उजड़ जाते हैं। अभी फ़िलहाल इस मामले पर जो है पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। गाड़ी जो है वो बताई जा रही है, गाड़ी पकड़ ली गई है, उन लोगों को पकड़ा गया या नहीं, या उसमें एक थे, दो थे, या कितने लोग थे, ये भी इसकी कोई अभी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से नहीं है। हालाँकि जो पुलिस है उसमें जो मामले में जो आईओ हैं उनसे हम जानकारी लेने का ज़रूर प्रयास करेंगे, अगर मौके पर हमें ज़रूर मिले तो। यहाँ पर फ़िलहाल उनके जो पति हैं, आप देख सकते हैं हिमांशु के जो पिता हैं, वो फ़िलहाल ज़रूर काफ़ी ज़्यादा इस समय सदमे में हैं कि किस तरीके से उनके साथ ये हादसा हुआ है। हालाँकि जो शव हैं वो फ़िलहाल मर्चरी हाउस के अंदर ज़रूर लाए गए हैं, यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा और कार्रवाई को आगे जो है ज़रूर बढ़ाया जाएगा, ताकि जो भी इसमें दोषी हैं वो जो है जल्द से जल्द उन्हें पकड़ कर पुलिस जो है कार्रवाई करे। अब गाड़ी के साथ कोई व्यक्ति पकड़ा गया है या नहीं, ये भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको जो तस्वीर दूसरी दिखा रहा हूँ, ये इनका नाम आप देख सकते हैं सुदेश देवी है, और ये हिमांशु की माँ है जो उसके साथ में बाइक पर थी, और ये पूरे हादसे के अंदर जो है ये भी किस तरीके से शिकार हो जाती हैं इस पूरे हादसे का। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, और लोग जो हैं इस बात को नहीं समझते हैं कि तेज़ रफ्तार से कितने जो घर हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल जो शव हैं उन्हें फ़िलहाल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। और अभी फ़िलहाल सर क्या कुछ अभी आपने पुलिस से बात हुई है? अभी मामला दर्ज हो चुका है? अभी फ़िलहाल मामला दर्ज हो चुका है जी। बाकी आईओ की वेट कर रहे हैं जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके आए पीछे बोल रहे हैं कि जो कार्रवाई दे करके आएंगे तभी पोस्टमार्टम नहीं होगा जी। अभी फ़िलहाल पोस्टमार्टम जो है वो होना है। और मैंने आपको तस्वीर दोनों की ही दिखा दी है, हिमांशु की और उनकी माँ सुदेश
देवी की, और जो पति हैं फिलहाल सदमे में हैं, आप देख सकते हैं, उनसे हम फिलहाल कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ऐसे हालातों में परिवार को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। लेकिन ये ज़रूर है कि उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इस मामले में आगे कार्रवाई बढ़ेगी। बेटे की मौत हुई है क्या? एक्चुअली कल जो है 5 तारीख को बाइक पे जो है एक हिमांशु और उसकी माता जी सुदेश, वे जो है एक जन्मदिन पे जा रहे थे और मंगलोरा चौकी के पास जो है, हमारी चौकी के पास ही पेट्रोल पंप के पास, एक उनके जो है एक गाड़ी वाले ने उनको टक्कर मार दी, जो साथ के साथ ही एम्बुलेंस हमने वहीं पर प्रोवाइड करवाई थी और साथ के साथ ही जो है दोनों को यहाँ पे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद जो है दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद जी हमने उसके ब्रदर के बयान पे जो है पर्चा दर्ज कर दिया है और आगे जो भी नियम अनुसार कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जी। आज पोस्टमार्टम हुआ इन दोनों का, डेड बॉडी उनको वारसान के हवाले कर दी गई है। तो कार्रवाई क्या, मामला दर्ज किया? हाँ जी, हाँ जी, हमने केस रजिस्टर कर दिया जिनके ऊपर। सर जो गाड़ी चालक हैं वो पकड़े जा चुके हैं जी, उनको हमने अभी हिरासत में ले लिया है जी। ठीक है, और नियम कार कब्जे में ले ली, कार भी कब्जे में ले ली है जी, और जो एक्सीडेंट शुदा बाइक थी वो भी हमने जो है कब्जे में ले ली है। किस गाड़ी के साथ हुआ था सर? जी ये स्विफ्ट गाड़ी है जी, स्विफ्ट गाड़ी है। थैंक यू सर। तो आपसे निवेदन करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और उम्मीद करते हैं परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा। और सभी लोगों से निवेदन करेंगे गाड़ी को धीरे चलाएं, ध्यान से चलाएं, लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और ऐसे में आप सभी को ये बार बार सचेत करने के लिए कि जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं तेज़ रफ्तार के अंदर, जो है कई बार अपनी जान चली जाती है, कई बार दूसरों की चली जाती है, तो ऐसे में रफ्तार पर काबू ज़रूर पाएं। आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।